नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में आज विजय संकल्प सभा का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और जनता को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों को मंच पर सम्मानित किया। जनता को संबोधित करते हुए मोदी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और बताया कि भारत आज दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर बन गया है, 75% नल कनेक्शन दिए हैं, 80 करोड़ गैस कनेक्शन, 36 लाख करोड़ डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 31 लाख करोड़ रुपए बिचौलिए खा जाते। गर्व की बात है जी, वो हमारे वेस्ट दिल्ली में आए हैं और हमें संबोधित करने के लिए हम यही चाहेंगे कि वो जो कुछ कहें उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, उनको वोट देकर इस बार 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करना चाहिए। दिल्ली की जनता किस तरह से आशीर्वाद देगी? दिल्ली की जनता सातों सीटें जीत कर उनको उनके समक्ष रखेंगे जी। सातों सुरेश बघेल साउथ दिल्ली से हूँ मैं। हाँ जी, देखा जा रहा है आज देश के प्रधानमंत्री संबोधित करने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? बहुत हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज विजय संकल्प सभा का आयोजन पूरे 4 सांसदों के विपक्ष में कर रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली की सातों सीट हमारी आ रही है। देखिए जो कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी मिल गई है, पहले आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने कहा था भाई हम कांग्रेस पार्टी बहुत उल्टा धंधा कर रही है, मतलब कि गलत तरीका कर रही है, भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार हम इसको जेल में भेज देंगे, शीला दीक्षित को भेज देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया। वो किस तरह की सरकार, लोकपाल बिल के लिए आए थे, आज वो दिल्ली में शासन करने बैठे और कोई फायदा नहीं हो रहा उनका, सिर्फ झूठ। नई दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।